हेलो, नमस्ते। चलिए हम लोग जीके में आज दो छोटे छोटे से टॉपिक हम लोग जीके में कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए और पता भी होगा कि इंडिया जो इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल इंडिया जो है वो एक मल्टी लिंगुअल कंट्री है। एक मल्टी लिंगुअल कंट्री। ओके, अब ये लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, और मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब एक दो से ज्यादा, यानी कि कई मैनी। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो मल्टी लिंगुअल कंट्री का मतलब ये हुआ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप कहोगे क्या इंडिया में ही ऐसा होता है? तो नहीं, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इंडिया की ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर आप देखोगे तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में आपको मिलेगा कि एक ही भाषा बोली जाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है मोस्टली, और वो है इंग्लिश। ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन है वो, उसमें एक ही लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश। फ्रांस में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच। जर्मनी में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है जर्मन। ये ऐसे देश हैं जो सिंगल लैंग्वेज कंट्री हैं, जहाँ पे सिर्फ एक-एक भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश होंगे जहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हों। और दुनिया में इंडिया एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर मेनी मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज ए मल्टी लिंगुअल कंट्री। इंडिया जाना जाता है अपने डाइवर्सिटी की वजह से। तो हम सब लोग जो हैं वो इंडियन हैं। हमारी जो एक आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो है कि हम सब लोग जो हैं वो इंडियन हैं। लेकिन इंडियन होने के साथ साथ हमारी और भी कई आइडेंटिटी है। जैसे आप लोग ये मैप देख रहे होंगे इंडिया का, तो ये जो आपको मैप भरना आना चाहिए, ठीक है, इतना जीके आपको आना चाहिए कि मैप में आप ये बता सको कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे आप लोग, भोपाल में आप लोगों का स्कूल है, तो आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, तो मध्य प्रदेश कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, तो हमारी इंडियन आइडेंटिटी के साथ साथ हमारी आइडेंटिटी एक लैंग्वेज से भी जुड़ जाती है। जैसे अगर कोई गुजरात का रहने वाला है तो वहां पे गुजराती भाषा बोलती है, तो हम गुजरात के लोगों को बोल सकते हैं कि ये गुजराती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात से हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजराती है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह वो पंजाबी थे। तो इंडियन होने के साथ साथ हमारी जो आइडेंटिटी है वो उससे भी डिसाइड होती है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, और वहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भाषा से भी हमारी आइडेंटिटी है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे भोपाल में भोपाली भाषा बोली जाती है, वैसे तो मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषाओं के भी अपने अपने तौर तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से उसे बोला जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है, जैसे भोपाल में जो जिस तरह से लोग बोलते होंगे उसको भोपाली कहा जा सकता है। कई सारे लोगों के सरनेम में भी भोपाली होता है। तो आज के हम लोग लैंग्वेज वाले इस जीके में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि कौन सी जगहों पे कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। और इससे आप 8 नाम देख रहे हो, इससे आपको ये भी पता चलेगा, इससे आपका ये भी जज हो जाएगा कि आपको ये पता है कि ये 8 सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। ये 8 इंडिया की सिटीज़ हैं। आपको इस जीके में आपका ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको ये पता है या नहीं पता कि ये सिटीज़ कहाँ हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिटी है उसका नाम है गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुवाहाटी जो सिटी है ये असम में है। ये कहाँ पर है? असम में। और असम कहाँ पर है?
असम जो है आपको पता होना चाहिए, मैप में आपको आना चाहिए कि असम जो है वो कहाँ पर है। ओके, तो आप बताइए मैप में असम कहाँ है, खुद से आप इसे देखिए। तो आप असम जो है वो यहाँ है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये असम है। और तो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी जो है वो असम में है। तो असम में जो भाषा बोली जाती है वो है असमीज। कौन सी भाषा बोली जाती है? असमीज। और क्योंकि असमीज भाषा असम में बोली जाती है तो वहीं के लोगों को हम लोग आसाम के लोगों को हम लोग असमीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिटी का नाम है भुवनेश्वर। अब आप बताइए ये भुवनेश्वर कहाँ है? जो भुवनेश्वर जो सिटी है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, और ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए। उड़ीसा कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा है। और उड़ीसा में ही एक सिटी है जिसका नाम है भुवनेश्वर। जैसे मध्य प्रदेश में कई सारी सिटी हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? भोपाल में रहते हैं। उसी तरह से उड़ीसा जो है वो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा में है। और क्योंकि वो उड़ीसा में है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है उड़िया। क्या नाम है? उड़िया। ओके, नेक्स्ट पुणे। पुणे कहाँ पर है? पुणे जो है एक सिटी है जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुणे एक सिटी है जो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ है मैप में बताइए? महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र यहाँ पर है। और ये है महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में एक सिटी है पुणे। और महाराष्ट्र में तो पुणे में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? जो महाराष्ट्र में बोली जाएगी। और महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र के लोगों को मराठी भी बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों को हम लोग महाराष्ट्रियन भी बोलते हैं और महाराष्ट्र के लोगों को हम मराठी भी बोलते हैं। दोनों, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वो स्टेट का नाम भी आपकी आइडेंटिटी हो सकती है और उस स्टेट में जो भाषा बोली जाती है वो भी आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। ओके, कोलकाता। कोलकाता एक सिटी है जो सबको पता होना होगा कि कोलकाता जो है वो बंगाल में है। कहाँ पर है? बंगाल में। और बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली। जो लैंग्वेज बंगाल में बोली जाएगी वही लैंग्वेज कोलकाता में बोली जाएगी। और बंगाल कहाँ है? आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि बंगाल कहाँ है। ठीक है, तो आप बताइए मैप में बंगाल कहाँ है? तो उड़ीसा के ऊपर जो है वो पड़ता है बंगाल। उड़ीसा के ऊपर बंगाल पड़ता है। ओके, ये जो है आपका ये वेस्ट बंगाल है, ये छोटा सा ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट सिटी का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद एक फेमस सिटी है जो गुजरात में है, जो गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजरात में जो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। ठीक है, अच्छा कोलकाता में हम लोग जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे बंगाली भी बोल सकते हैं या बांग्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल लीजिए, बंगाली बोल लीजिए या बांग्ला बोल लीजिए। ठीक है, वैसे लैंग्वेज का नाम जो है वो बांग्ला ही होगा। ठीक है, बंगाली तो नहीं है, बंगाली भी बोलते हैं वैसे, लेकिन बांग्ला बोल लीजिए वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। और गुजरात कहाँ है मैप में आप बताइए? ये है आपका गुजरात। ठीक है, ओके। श्रीनगर। श्रीनगर एक सिटी है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK। और जम्मू एंड कश्मीर सबको पता होगा, भारत का सबसे नॉर्थ पार्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे ऊंचा पार्ट जो है, सबसे ऊपर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये पूरा का पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, वैसे फिलहाल अभी अगर मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख अलग कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर अलग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही मान के चलिए कि ये JNK है। ओके, एक्चुअली में JNK जो है वो, ठीक है,
तो श्रीनगर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? श्रीनगर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है कश्मीरी। कश्मीरी। ओके। हैदराबाद। हैदराबाद एक सिटी है जो आपकी है कहाँ पर बताइए? तेलंगाना में। हैदराबाद एक सिटी है तेलंगाना में, और तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। और तेलंगाना कहाँ पर है? तो तेलंगाना जो है वो महाराष्ट्र के नीचे सटा हुआ है, ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये जो सिटी है, ये जो स्टेट है, ये है तेलंगाना। ठीक है। अमृतसर। अमृतसर एक सिटी है जो है पंजाब में, और पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है, और पंजाबी कहाँ है भैया? तो पंजाबी है दिल्ली के एकदम पास, यानी कि बताइए दिल्ली कहाँ है? दिल्ली तो पता ही होगा आपको, तो पंजाब है दिल्ली के पास, राजस्थान के ऊपर, ये है आपका पंजाब। ठीक है, ये है आपका पंजाब। अब यहाँ पे मैं सिर्फ पी ले लेता हूँ। ठीक है, पंजाब के नीचे है हरियाणा। ओके, तो ये आपके कुछ 8 सिटीज थे, और उस हिसाब से हर सिटी की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन वो कवर करना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तेलंगाना है उसी तरह से देखिए केरला में एक भाषा बोली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मलयालम, आगे हम लोग देख लेंगे। ये कर्नाटका है, कर्नाटका में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़। ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है तमिल। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक अपनी अलग भाषा है। ये यूपी है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है, ठीक है, बिहार में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है भोजपुरी, मैथिली। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं हैं। आपके बुक में 8 दे रखा था तो मैंने भी 8 ही लिया है, क्योंकि मैं सब बताऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस इंफॉर्मेशन को आप कहीं और से भी देख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अभी हम लोग थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा अगला है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। देखो लैंग्वेज जो होती है, एक तो होता है कि जो हम बोलते हैं, लेकिन हम लोग लिखते भी तो है ना, जैसे इंग्लिश लिख रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश में, जैसे मान लो कोई राम है, तो राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ राम, और राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ राम। तो इंग्लिश में जब हम लोग राम लिख रहे हैं तो जिस लेटर का यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लेटर है ना ABCD, इनको हम लोग बोलते हैं रोमन लेटर्स। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं रोमन लेटर्स। उसी तरह से जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं और ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी, इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी। ठीक है, तो एक्चुअली में स्क्रिप्ट होता है, लैंग्वेज को जब लिखते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो रोमन क्या है? एक स्क्रिप्ट है, रोमन लेटर्स स्क्रिप्ट है, देवनागरी क्या है? स्क्रिप्ट है। अब अलग अलग भाषाओं को अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, जैसे मराठी भाषा, जैसे हिंदी भाषा हो गया, तो उसको हम लोग लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में। उसी तरह से उर्दू भाषा हो गया, उसको हम लोग लिखते हैं अरेबिक स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट रिटन इन द अरेबिक स्क्रिप्ट। अरेबिक स्क्रिप्ट में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? तो देखो यहाँ पे जो उर्दू भाषा है उसको अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। सिंधी भाषा जो पाकिस्तान में बोली जाती है, सिंध जो है एक सिटी है पाकिस्तान में, एक प्रोविंस है पाकिस्तान में, तो वहां पर जो है सिंधी भाषा बोली जाती है, तो वो वहां पर जो सिंधी भाषा है वो भी अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन तमिल भाषा जो है वो अरेबिक स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जाती। तो कौन सी भाषा है जो अरेबिक स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जाती? तो वो है तमिल। इन विच ऑफ दीज स्टेट वुड यू हियर अ लॉट ऑफ कोंकणी बीइंग स्पोकन। अब कोंकणी भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? ठीक है, कोंकणी एक लैंग्वेज है जो गोवा में बोली जाती है, एक लैंग्वेज है जो गोवा में बोली जाती है। गोवा कहाँ है? तो गोवा एक स्मॉल सिटी है महाराष्ट्र के नीचे, ये है आपका गोवा, और इस गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, इसको आप ध्यान में रखना है। तो इस सेकंड का आंसर हो जाएगा गोवा। केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है मलयालम, इसको भी लिख लो। केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है मलयालम, MALAYALAM, मलयालम। ओके, और पंजाब में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंने आपको बताया ही है, वो है पंजाबी। और गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है कोंकणी।
विच ऑफ दिस इज नॉट अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट. अब बताओ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट कौन कौन से हैं. देखो जो आप लोग का स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है. राजस्थान में भी देखो हिंदी भाषा जो है उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है. जैसे अगर आप यूपी में जाते हो तो यूपी में अगर कोई बनारसी है तो वो भी हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसकी बोलने का तरीका अलग होगा, उसको बोलते हैं एक्सेंट. कोई इंसान किसी भाषा को कैसे बोलता है उसको एक्सेंट बोलते हैं. ठीक है, अब आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्रिटेन में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो अमेरिकन इंग्लिश को हम लोग एक्सेंट के हिसाब से अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश को एक्सेंट के हिसाब से ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से हिंदी भाषाओं की भी अलग अलग जो है वो एक्सेंट है बोलने का तरीका, लेकिन उसको हिंदी भाषा में ही काउंट किया जाता है. ठीक है, ऑफिशियली उसको हिंदी भाषा में ही काउंट किया जाता है. तो मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, राजस्थान ये एक स्टेट है यहाँ हिंदी बोला जाती है. ठीक है, उसी तरह से हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलते हैं, लेकिन उसको भी हिंदी में ही काउंट किया जाता है. यूपी में हिंदी भाषा बोली जाती है. फिर बिहार में जो भोजपुरी भाषा है, वैसे तो बहुत अलग भाषा है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी में ही काउंट करती है. ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट कौन कौन से हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट है. ठीक है, तो आपको बताना है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट. तो तेलंगाना, मैंने आपको बताया था तेलंगाना में क्या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है. तो उत्तर प्रदेश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन तमाम भाषाओं को हिंदी के अंदर ही काउंट किया जाता है. जैसे बनारसी भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, इन सबको हिंदी में ही काउंट किया जाता है. और ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदी की ही अलग अलग बोली है, अलग अलग प्रकार की बोली है. ठीक है, तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है जो बहुत डिफरेंट है, तो वो हिंदी में नहीं आती है. ओके, तो ये वाला आप अपना याद रखना. अगला, इन विच ऑफ दी स्टेट वुड यू हियर मैनी पीपल स्पीकिंग मलयालम. मलयालम कौन से जगह बोला जाएगा, केरला. ठीक है, मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरला में. कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़, कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक में बोला जाता है. और आंध्र प्रदेश में भी आप ध्यान में रखना तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है. आंध्र प्रदेश में भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है. ठीक है, दो स्टेट है इंडिया में जहां तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश. और आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से हटकर ही जो है वो तेलंगाना बना है. विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है. ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना कि उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है. तो ये मैंने आज आपको कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया. ठीक है, तो आप इस जीके को थोड़ा ध्यान में रखना, और थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए. और होमवर्क क्या है ना, कि आप लोगों को एक मैप लेना है, और उस मैप में आपको सारे स्टेट भरने हैं कि मैप में स्टेट क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आपको वो भी ध्यान में रखना है. और साथ ही साथ जितना मैंने आपको बताया है वो भी ध्यान में. ठीक है, बस ये आपका जीके का आज का क्लास था जो हो गया है. चलिए, thank you very much.